वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, सालों से काफ़ी सारे लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। शुगर को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इलाज कराने के बाद भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। और भाइयों, लंबे समय तक शुगर का लेवल बढ़ा रहने से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, हार्ट खराब हो जाता है और उनके दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको शुगर को ठीक करने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 शुगर में मरीज को जीवन भर इंसुलिन पर रहना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों को टाइप 2 शुगर है तो उनको सबसे पहले एक खून की जांच को करा लेना चाहिए। आपको ब्लड शुगर बीपी, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर की जांच होती है, इसे आपको करा लेना चाहिए। इस जांच में अगर शुगर का लेवल 200 तक आता है तो भाइयों, आपको किसी भी प्रकार की दवाई को खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा परहेज करना है और सुबह 1 घंटे पैदल रोज चलना है तो भाइयों, आपकी शुगर पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन इस जांच में जिन लोगों की शुगर 200 से ऊपर आती है, और जब भी वो चेक करते हैं, जब भी उनकी शुगर 200 से ऊपर ही रहती है और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उनको टाइप 2 शुगर है, तो उन सभी लोगों की शुगर को कंट्रोल रखने का सही इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाइयों, आपको एक गोली को लेना होता है जिसका नाम है ट्रीओपिल 1। इस गोली को आपको एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पानी से खाना होता है, और 10 मिनट बाद आपको खाना खा लेना होता है। भाइयों, इस गोली का प्रयोग आपको जब तक करना है जब तक आपकी शुगर पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए। जब भाइयों आपकी शुगर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए तो आप इस गोली को पूरी तरह से बंद कर दें। लेकिन भाइयों, गोली को बंद करने के बाद अगर आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है तो भाइयों, फिर आपको इस दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहना है। इस दवा का भाइयों किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और भाइयों, हफ्ते में एक बार पैथोलॉजी लैब पर ब्लड शुगर बीपी, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर की जाँच होती है, इसे आपको कराते रहना है। उसी हिसाब से आपको इस दवा का प्रयोग करते रहना है। भाइयों, जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है तो उनको परहेज पूरा करना है, जब भी उनको दवाई से फ़ायदा मिलेगा। पर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो शुगर की बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मैंने अपने चैनल पर इस विषय में वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल पर जाएँ और वीडियो को देख कर पूरा परहेज करें। रोज सुबह 1 घंटे पैदल चला करें और दवाइयों को टाइम से खाएं। तो भाइयों, आपकी टाइप 2 जो शुगर है वो पूरी तरह से कंट्रोल है। भाइयों, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको इसी नाम की दवा लेना है। किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।